लुधियाना के शिवपुरी स्थित बने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने को लेकर संत समाज, हिंदू संगठन व मंदिर कमेटियों ने इकट्ठे होकर रोष मार्च निकाला। ये रोष मार्च दरेसी स्थित वेद मंदिर से आरंभ होकर कब्रिस्तान तक निकाला गया। इस दौरान स्वामी आनंद अत्री जी ने कहा कि भू माफिया ने एक षड्यंत्र रचकर एक कब्जा करने की कोशिश की है, उसकी निष्पक्ष ढंग से जांच होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिला प्रधान प्रवीण बांसल, रवि टंडन सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आज का जो रोस मार्च है हिंदू समाज वालों, हिंदू संगठनों वालों, मंदिर कमेटी वालों, बच्चों की उन्होंने कबर जिन्होंने माँ प्यो इतने दबे हुए हैं उन्होंने लैके किया गया भी कुछ भूमि माफिया के जैन परिवार तो एक बंदा वा उन्हें कारपोरेशन अधिकारी पटवारी मिल के मंदिर की जगह के उत्ते बच्चों की कबर जगह कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने माननीय हाईकोर्ट तक गुमराह करके उतों गलत ऑर्डर लैके आने की कोशिश की है। असं सारे ही लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो सरकार तो मांग करते हैं इस गल सारी पूरी गल की CBI जाँच होनी चाहिए है। प्यारे प्रेमियों, जिहड़ा अज दा रोश मार्च कढ़िया गया ये तुसी सारे जानकार हो, तुहानू पता कि ये बच्चों दी कबरां दे नाल जो भू माफिया ने एक षडयंत्र रच के इहते कब्जा करने की कोशिश की गई है। ये सनातन धर्म की स्थान है, जगह है, तो इहते कोई इस तरह की कार्रवाई आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज शिवपुरी बच्चों की कबरों के खिलाफ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उस ऑर्डर के खिलाफ पूरा लुधियाने के लोग चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो क्योंकि उसके बच्चों कबर बड़ी पुरानी है पूरे लुधियाने के वासी इकट्ठे हुए हैं इस ऑर्डर के खिलाफ क्योंकि इस केस नू प्रशासन ने प्रॉपर ढंग टेकअप नहीं किया और लैंड माफिया के नाल मिल के जे असी कही कितना कितने लैंड माफिया की मदद करके जी है ये हिंदू धर्म तो सिख धर्म भावनावां दे नाल खिलवाड़ होया और असी किसी भी हद तक जाने तैयार हाँ और ये जगह किसी भी हद तक बच्चों की कबरें ही रहनगियां तो जो लैंड माफिया हथ नहीं जान देवे।